नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारी जमात है जिला उधमपुर में, ये एलजी प्रशासन की तरफ से जो हर दिन प्रतिदिन नया नया फरमान जारी हो, जबरदस्ती और ये हर रोज नया नया फरमान ये जारी करते हैं जो लोगों के हित में नहीं है। पहले जो इन्होंने जो पीला पंजा चलाया, अभी उससे लोगों को राहत नहीं मिली। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने अपने जो महाराज हरी सिंह जी ने ये जो ज़मीन ये रियासत जम्मू कश्मीर जो अंग्रेज़ों से पैसों से खरीदी थी, और शेर कश्मीर ने लोगों को मुफ्त ज़मीनें अलाट की कि लोग अपने पैरों पर खड़े खड़े हो सकें। तो लोग बड़ी मुश्किल से पीछे कोरोना था, कोरोना की मार अभी हमने सही नहीं थी, GST लगा दिया, कैसे कैसे कानून लगाए, और ये कंपैरिजन करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर का बाहर की स्टेटों के साथ। अरे भाई, बाहर की पंजाब की हालत आप देखिए, वहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं। बाहर की स्टेटों के साथ हम कंपटीशन थोड़ी कर सकते हैं। ये पथरीली ज़मीन है जहाँ हमारा जो गरीब किसान है वो जब जो गंती के साथ जो मिट्टी को जब खोदता है तो नीचे पत्थर निकलते हैं। पंजाब में मिट्टी निकालो तो पानी निकलता है। इसलिए जहाँ बड़ी सख्त मेहनत करके लोग अपना गुजर बसर करते हैं, तो ये जो प्रोसीजर सरकार ये जो यूपी की और बिहार के कुछ लोग जो जहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, जिनको जहाँ की टॉपोग्राफी का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, तो मैं उनसे आज होकर जो विनती करता हूँ। कल हमारे लीडर उमर साहब कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब भी कोई तस्वीर देखो, तो जब कोई ऑफिसर की तस्वीर देखो तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, जैसे वो फुल इंजॉय कर रहे हैं, और वैसे ही किसी गरीब आदमी की तस्वीर देखो तो उसके चेहरे पर मायूसी होती है। ये अंतर है जी, सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो मैं मीडिया